आप ही लोगों के भविष्य की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर जितने भी उद्योग लगेंगे उन सभी उद्योगों में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति होगी, ये उन कंपनियों को गारंटी देना होगा, तभी वो कंपनी लगेगी। नहीं तो ऐसे नौकरी भी मांगने से ये कंपनियां भी नहीं देती है। आज श्रम विभाग जो बिल्कुल ही इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता था, वो एक डिफेंस पड़ा हुआ था। अभी निरंतर आपने देखा ही कि हम लोगों ने अलग अलग माध्यमों से हजारों नियुक्तियां दी, लगभग 50,000 से अधिक निजी क्षेत्र में और 10,000 से अधिक सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया। और तो और जो यहां पर हमेशा क्वेश्चन पेपर लीक होता था, लोग कोर्ट कचहरी करते रहते थे, चोरी चकारी करते थे नौकरियों में, उन सब पे काबू पाने के लिए हम लोगों ने पेपर लीक कानून को रोकने के लिए कानून भी बनाया, और इतना कानून कड़ा कानून बनाया कि अगर कोई पेपर लीक करेगा तो इस तरीके से जेल जाएगा कि दोबारा वो नौकरी के लायक नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे चीजें की है जो आप दिखता है, लोगों के चेहरों में दिखता है। और हम यही चाहते हैं, हम अपना प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं यहाँ के लोगों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के किसानों के, यहाँ के महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान हो। आज जिस तरीके से शहरों पे भी आप देखेंगे, रांची शहर में अलग अलग जगहों पर कितने बड़े पैमाने पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और कितनी तेजी से काम चल रहा है। क्या 23 साल पहले कभी आप लोगों ने ये ऐसी स्थिति यहाँ पर देखी? आज मुझे लगता है कि विगत वर्षों में सरकार यहाँ आई गई, लेकिन राज्य के प्रति उनकी संवेदनाएं बिल्कुल शून्य रही। आज किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर, शिक्षा को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर आज हम लोगों ने सर्वजन पेंशन के माध्यम से 30 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन से जोड़ा। पूर्व की सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड डिलीट किया, हम लोगों ने हरा राशन कार्ड 20 लाख अतिरिक्त राज्य में गरीबों को बांटने का काम किया। 60 लाख से अधिक धोती साड़ी लुंगी लोगों को दिया जा रहा है। कई ऐसी चीजें, और तो और यहां हर मुसीबत में, हर समस्या, आपके हर दुख में सरकार खड़ी रहती है। चाहे राज्य के अंदर कोई मजदूर की बात हो, कोई ग्रामीण की बात हो, कोई किसान की बात हो, चाहे राज्य के बाहर की बात हो। आप लोगों ने कल परसों ये खबर में सुना, उत्तराखंड में एक टनल बन रहा था, वहां 12-13 मजदूर हमारे अंदर जाके फंस गए। तुरंत हम लोगों ने यहां से पदाधिकारियों को रवाना किया और अभी सुरक्षित निकालने का उनको प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना में हम लोगों ने अपने मजदूरों को, ये देश का पहला राज है जहां मजदूरों को मरने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित उनके घरों में पहुंचाने का काम किया। तो साथियों, यहां कई हम लोगों के स्कूल आप लोग देख रहे होंगे, नए स्कूल बन रहे हैं, 80 एक्सीलेंस स्कूल हम लोगों ने बनाया, जहां प्राइवेट स्कूल के बराबर वहां शिक्षा आप लोग को दी जाएगी। आप लोगों के जो वेलफेयर के कल्याण विभाग के हॉस्टल हुआ करते थे, वो एक बार बनने के बाद कभी दोबारा उसमें रंगाई पुताई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। भले वो टूट के गिर जाए, खत्म हो जाए, मिट्टी बन जाए, उसकी शुद्धि नहीं ली।
लेकिन आज कल्याण विभाग पूरे राज्य के कल्याण विभाग के हॉस्टलों को पूर्ण तरीके से जीर्णोद्धार करने के काम में लगी है। हम लोग चौकीदार भी देंगे और वहां पर रहने वाले बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था भी करेंगे। आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई करना है। अभी आप लोगों को मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अभी इस कैंप जो अभी सरकार आपके द्वार चलेगा उसके माध्यम से आपको ये कार्ड भी मिलेगा। आपको ये कार्ड भी मिलेगा जिससे आपको कोई बेहतर शिक्षा के लिए सरकार से सहायता राशि की आवश्यकता होगी वो सरकार अविलंब उपलब्ध कराएगी। और आपको पता ही है, माननीय मंत्री जी ने बताया कि ग्रामीण सड़कें आप लोगों की कितनी खराब हुआ करती थी। केंद्र सरकार भी अब स्थिति यह है कि जहां केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां पर थोड़ा सा सौतेलापन दिखता है। गरीबों के लिए आवास जो हमारे पास और 8 लाख 8.5 लाख गरीबों का आवास देने की बात थी वो भी हमें स्वीकृति नहीं मिली। आज इसी के लिए हम लोगों ने अपनी जिम्मेवारी पर उन छूटे हुए 8 लाख गरीब परिवारों को अब वो आवास के नाम से सरकार अपना योजना से 3 कमरे का मकान बना के देने की योजना तैयार कर रही है, जिसका आवेदन भी आपको सरकार आपके द्वार के माध्यम से लिया जाएगा। तो कई ऐसी चीजें, अबुआ बीर अबुआ दिसोब योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया जिससे वन पट्टा, जहां लोग भूमिहीन है, जहां लोग वन पट्टा के अधिकार रखते हैं उनको वन पट्टा दिया जाएगा। ये भी एक हम लोगों ने सेचुरेट करने का एक निर्णय लिया है कि वन पट्टा पूरा का पूरा जितने भी राज्य में वन पट्टा के दरखास्त है उसका अविलंब निष्पादन किया जाए। तो कई ऐसी बातें जिसको अगर हम अभी भी कहें, जैसा मंत्री जी ने कहा, तो हमें बहुत समय लगेगा क्योंकि आप लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अभी हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि गवर्नर साहब जी को भी बोलना है। इन्हीं बातों के साथ ये हमने ये सुनिश्चित किया कि सरकार अब राज्य के विकास से कोसों दूर, जहां सरकार की ना योजना जाती है, ना आवाजें जाती है, ना सरकार का कोई नुमाइंदा जाता है, अब उसके दरवाजे में भी सरकार जाएगी और उसका अधिकार उसके दरवाजे में पहुंचाने का काम करेगी। और आज इसको लेकर हम लोगों ने पुनः एक बार आप लोगों ने देखा कि सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 60 लाख से अधिक गांव की समस्याओं का दरखास्त हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब स्पष्ट है कि ब्लॉक लेवल में लोग का पहुंचना,